हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज मेरे पास ये है 1.5 HP टेरोटेक्समो समरसिबल मोटर, जो इसमें पेपर वेपर कंप्लीट डाल दिए हैं। अब हम इसकी वायरिंग करेंगे। तो दोस्तों इसका जो पुराना वायर है वो मैंने ये निकाल दिया है इस तरीके से। तो ये वायर है, ये रनिंग वायर है और ये स्टार्टिंग वायरिंग है। तो आपको मैं इसका वजन करके बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये है मेरा कांटा, इसमें पहले तो दोस्तों ये है स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर है। तो इसका वजन करेंगे तो दोस्तों ये स्टार्टिंग वायर है जो 750 ग्राम है। 1 किलो में 250 ग्राम माइनस है। तो ये स्टार्टिंग वायर है, वो 750 ग्राम पूरा कुल वायर है। और दोस्तों ये रनिंग वायर है जो 1 किलो में 150 ग्राम माइनस है। तो ये 850 ग्राम वायर है। अब हम इसका सेट तोलेंगे, नया सेट है वायर। तो दोस्तों ये नया सेट है रनिंग वायर का, जो मैंने 900 ग्राम का बनाया है। पुराना तार 850 ग्राम है और मैं इसमें 900 ग्राम डाल रहा हूँ। तो दोस्त 900 ग्राम का ये सेट हो गया है। दोस्तों ये नया वायर, नई कोयले बना ली है मैंने। जो नया सेट है वो इसमें पूरा, जो रनिंग का सेट है वो 3-3 की 6 कोयल है। तो दोस्तों ये मेरे पास 1.5 HP समरसिबल मोटर है, इसकी वाइंडिंग करेंगे। कंप्लीट डाटा बताऊंगा मैं आपको और इसकी कंप्लीट वाइंडिंग करने सीखेंगे इस वीडियो में। तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार। तो दोस्तों ये है मेरे पास 1.5 HP टेरो समरसिबल मोटर। तो इसका कुल कंपनी का कितना वायर निकलता है उसकी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो दोस्तों इसकी जो ये लंबाई है वो 9.5 इंची है और ये स्टेपिंग लंबाई है, जो स्लॉट लंबाई वो 1 इंची इस यहाँ से कम है। तो दोस्तों इसका ये आगे का साइड है और ये बैक साइड है। आगे की साइड में यहाँ ये प्लेट लगी हुई है कंपनी की, इस साइड से आगे की साइड है। तो हम इसकी वायरिंग करेंगे। तो ये मेरे पास है सेफ्टी पेपर। तो दोस्तों इस प्रकार देख सकते हो आप, यहाँ 1 नंबर स्टार्ट किया है तो इसमें 6 स्लॉट बीच में छोड़ दिए हैं और 8वें नंबर पर इसमें पेपर डाल दिया है। तो इसका पिच है 8, 10 और 12 का पिच होगा, फिर इसके सामने वही 8, 10 और 12 का पिच हो जाएगा। तो ये मैंने 6 कोयल का सेट बना लिया है, एक साथ ही पूरा कोयल बना लिया है, जिसमें 2 वायर निकलेंगे, एक तो आउटर निकलेगा और एक इनर निकलेगा, और बाकी के हम बाद में इसमें कोई कनेक्शन लूप या नहीं करनी है, डायरेक्ट मैंने पूरे कनेक्शन की वायर निकाल दिए हैं। अब हम वैसे तो इसमें 3-3 के सेट होंगे, 3 कोयल इस साइड डलेगी और 3 कोयल इस साइड डलेगी। तो इसमें जो सबसे ये छोटी कोयल है, जो इनर वाला तार स्टार्ट होता है, वो कोयल लेनी है हमें सबसे पहले। और इसको मोटर के साइज का शेप देना है और इसमें डालना है। तो दोस्तों इस प्रकार इस कोयल का इस शेप बनाना है। आप चाहो तो कपड़े की मदद से इसको सीधा कर सकते हो, कपड़ा ले सकते हो। अब हम पहले कोयल इस प्रकार डालेंगे। तो दोस्तों सभी स्लॉट के अंदर तार डाल देने हैं इस प्रकार। तो दोस्तों इस प्रकार हमें पूरी कोयल है वो अंदर डाल देनी है
और ये जो सेफ्टी पेपर डाले थे वो इस प्रकार हमें निकाल लेने हैं। तो दोस्तों ये कोयल डल गई है, पूरी डाल दी है मैंने। तो दोस्तों अब हम ये खापी डालेंगे जो प्लास्टिक की है, ओरिजिनल कंपनी के साथ की है ये, इस मोटर की। इस प्रकार तो ये मैंने पहली खापी डाल दी है, अब दूसरी खापी डालेंगे इस प्रकार। ये दोनों खापी डाल दी है, अब हम इस कोयल का शेप देंगे ताकि दूसरी कोयल भी इसके ऊपर आसानी से डल जाए और हमारा शेप भी अच्छा आ जाए। दोनों साइड का शेप लगाना है इस प्रकार। तो दोस्तों मैंने पहले कोयल है वो डाल दी है, अब दूसरी कोयल के पेपर डालने हैं जो 10 का पिच हो जाएगा इसका। इस प्रकार ये पेपर डालना है पहला। दोस्तों ये मोटर है वो कंपनी की थी वायरिंग, और पहली बार जली है इसलिए वो वायर है वो भी कंपनी का आया निकला है। और जो आपको मैं डाटा बताऊंगा वो बिल्कुल ओरिजिनल कंपनी का डाटा है। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने दूसरी कोयल का शेप दे दिया है। इस प्रकार ये दूसरी कोयल भी स्लॉट के अंदर डालनी है, और कोशिश ये रखनी है कि सभी तार है जो स्लॉट के अंदर चले जाए आसानी से, और हमारे तार है वो स्क्रेच नहीं होने चाहिए, एकदम सेफ्टी से स्लॉट के अंदर बैठने चाहिए इस प्रकार से। अब हमें ये दूसरी कोयले इस पर भी इस प्रकार खापटी की सहायता से सभी तार लॉक कर देने हैं। दोनों साइड से। तो दोस्तों मैं क्या कह रहा था पहले कि ये कंपनी का डाटा है और वायर भी कंपनी का है, जो पुराना निकला है वो तो कंपनी के डाटे से मैं वापस इसकी वायरिंग कर रहा हूँ। ये डाटा मिलने के बाद आपको किसी डाटे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बिल्कुल जो टेरोटेक्समो कंपनी है उसका डाटा बनाया हुआ है। तो इस प्रकार से कंपनी का डाटा है, मैं आपको डाटा बता देता हूँ इसका। तो दोस्तों दोनों साइड से इस प्रकार शेप बनाना है कोयल का। दोस्तों आपको शोर बहुत सुनाई दे रहा होगा, क्या करें हमारे पास में ही रास्ता है इसलिए शोर आ रहा है बहुत गाड़ियों का, थोड़ा मेंटेन कर लेना। दोस्तों इस प्रकार हमने दो कोयल डाल दी है, अब तीसरी कोयल डालना है। तो तीसरी कोयल ये है, तो इसी का इस प्रकार शेप बनाना है और इस मोटर के अंदर डालना है। तो इसका पिच होगा 12 का पिच हो जाएगा। तो 12 का पिच में मैं पेपर डाल दिया है मैंने, और अब मैं इसकी तीसरी कोयल है वो डाल रहा हूँ। ये तीसरी कोयल डलने के बाद में एक सेट कंप्लीट इसमें डल जाएगा। जो रेनिंग की आधी कोयल है वो डल जाएगी। इस प्रकार मैंने कोयल डाल दी है, अब हम खापटी की सहायता से लॉक करेंगे इस प्रकार। ध्यान में रहे कि कोई भी तार स्लॉट के बाहर नहीं छूटना चाहिए,
सभी तार स्लॉट के अंदर रहने चाहिए। इस प्रकार दोस्तों इसके थोड़े थोड़े पेपर बाहर है, लंबे हैं, इसलिए थोड़ी कांपटी मैं चढ़ा रहा हूँ, तो इस पेपर को फोल्ड करके चढ़ा रहा हूँ ताकि ये पेपर स्लॉट के बाहर ना रहे, स्लॉट के अंदर ही रहे। इस प्रकार इसका भी शेप बनाना है, तो ये जो